नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। महाराष्ट्र में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा छाया हुआ है और इस पर सियासत चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी समेत कई हिंदू संगठन इस पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को लेकर वह जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन आम मुंबईकर लव जिहाद के बारे में क्या सोचती है, जानने के लिए आज हम हैं अंधेरी इलाके में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये थोड़ा सा हमारे समाज में जो कट्टरपंथी जो लोग होते हैं इस तरह का घटना कर देते हैं कि एक के कारण सारा बदनाम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, लव जिहाद कुछ है ही नहीं, मेरा मानना है। या एक कपल बता दे जिसने आकर के कंप्लेन किया हो कि भाई मेरे साथ कोई गलत हुआ, मेरे साथ किसी ने किडनैपिंग करके किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती किसने करके किया, बराबर है। ये वो जो चीज जिसको ज़िंदगी बिताना है, जिसको ज़िंदगी के साथ रहना है, कभी उसकी तरफ से कोई कंप्लेन आया सरकार के पास? कभी उसने किसी ने बोला कि मेरे को ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ करके मेरे से प्यार किया और मेरे से शादी किया? पूरे भारतवर्ष में सरकार के पास कोई डाटा है? कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी जो पूरी के पूरी जो स्कीम है, ये पूरा के पूरा जो एक तरह का जो जाल है, वो सरकार ने सिर्फ देश का माहौल ख़राब करने के लिए और वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स के लिए किया है। उससे आम आदमी को, मेहनत कश आदमी को कोई लेना देना नहीं। अगर किसी की मर्जी से परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे कि कोई लव मैरिज करके परिवर्तन कर रहे, तो अगर लड़की इसमें हैप्पी है तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हैप्पी नहीं है, ज़बरदस्ती हो रहा है, तो फिर वो छोड़ के भाग जाना चाहिए उसको सीरियसली, क्योंकि ऐसे रिश्तों में क्या ही फ़ायदा जहाँ ज़बरदस्ती हो। और आजकल तो हर लड़की अपने पैरों पर स्टैंड करने लगे। कानून बनना चाहिए ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना करे, कोई लड़की को गलत तरीके से फंसावे नहीं। और कानून बनेगा अच्छी बात है, उसमें कोई शक नहीं है, और बनना भी चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज के डेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हर बेटियाँ हर लड़कियों को भी एक संदेश है, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, किसके साथ रहना है, किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ हमारा संबंध बनाना है। तो हमारे बच्चियों को भी, हमारे बेटियों को भी ये संदेश है कि आप भी जो है इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ो, कि बाद में आपने लव किया, फिर आप बिना सोचे समझे किसी से भी दुनिया बसाने का काम किया, बाद में वो तकलीफें आई, तो ये तकलीफ जो है अपने माता पिता पर आता है। लैंड जिहाद तो ये पहले से हो रहा है हर जगह, जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनको पूरी, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, क्या वो सही जगह पे बने हुए हैं क्या? सबसे पहला तो मैं कहूँगा इसको लव जिहाद बोल के क्यों क्यों नाम दिया गया, क्यों जिहाद, क्यों ये धर्म से वो धर्म में, वो धर्म से ये धर्म में क्यों जाना और क्यों करना? इसके लिए माता पिता आपको कॉलेज भेजते हैं क्या? आपको माता पिता भेजते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, कुछ काबिल इंसान बनने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए और एक इंसान आप बन के उभरने के लिए? लव कर लेते, बाद में उसको एक नाम दिया जाता है जिहाद, और बाद में फिर उसको नहीं जमा तो लड़कियों को छोड़ दो, फिर बोल दो कि वो जिहाद। ये सख्त गलत बात है, ये हिंदुस्तान है। पीपल आर थिंकिंग रिगार्डिंग लव जिहाद नाउ डेज। People are well educated, but some people are not aware regarding this one. We can bring an example, Shah Rukh Khan also, and Janelia, and Ritesh Deshmukh also. They are settled, and their life is going on well. तो देखा आपने, ये थी लव जिहाद पर आम मुंबई करो की राय। वैसे आपको बता दें, देश में ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपने धर्म के विपरीत जाकर अपनी प्रेमिका को अपनी अर्धांगिनी बनाया है और आगे जाकर उनके बीच कोई भी कटुता नहीं हुई है। लेकिन कुछ महीनों से जो लव जिहाद के मामले सामने आए हैं वह बेहद हैरान कर देने वाले थे। तो ऐसे में वाकई सरकार लव जिहाद पर कोई कानून बनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं साक्षी शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।